कभी कभी क्रिकेट मैच में खेलते हुए खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर अपना रौब दिखाते हैं। एक ऐसा ही मैच खेला जा रहा था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐसी दुश्मनी पैदा की जो शायद आज भी यह दुश्मनी बरकरार है। यह मैच जब खेला जा रहा था तो इस मैच में दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी खेल रहे थे। जबकि भारत के पास क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर थे तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के पास गिलक्रिस्ट क्रिकेट का हैवान था, और जहां पर इंडिया के पास धोनी और युवराज की ताकत थी तो वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के पास ब्रेटली का कहर था और एंड्रू साइमन, जो कि ऑस्ट्रेलिया का दानव कहा जाता था, जो क्रिकेट के दौरान क्रिकेट की सारी हदें पार करने को तैयार था। अब इंडियन टीम की तरफ से सचिन और सौरभ गांगुली ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। भारतीय टीम 2007 वर्ल्ड कप की करारी हार के बाद का दर्द अभी भूले नहीं थे, इसलिए भारतीय बल्लेबाज अब सभी मैच को आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी की पूरी कमांड ब्रेटली के हाथों में थी। ब्रेटली आज कसम खा चुका था कि इंडियन बैट्समैन को वह आज मैदान में धूल चटाएगा, क्योंकि उस समय ब्रेटली को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड होता था कि वह किसी भी बल्लेबाज को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। अब मैच का पहला बॉल ब्रेटली ने डाला, यह मैच कुछ खास ऐतिहासिक होने वाला था। ब्रेटली की स्पीड वाली बॉलिंग गांगुली को खूब परेशान कर रही थी। सौरभ गांगुली ने पहले ही ओवर में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लास्ट बॉल में एक चौका जरूर लगा दिया, लेकिन आज ब्रेटली की खतरनाक स्विंग बॉलिंग के चलते सचिन का बल्ला कोई कमाल नहीं दिखा पा रहा था। ब्रेटली की सुपर फास्ट बॉल जो कि सचिन के पैड पर सीधे लगती है और कंगारू द्वारा जोरदार अपील की जाती है, और एक पल ऐसा लग रहा था मानो सामने खड़ा इतिहास का सबसे घटिया बेईमान एम्पायर स्टीव बकनर सचिन को आउट करार दे देगा, लेकिन सचिन आउट नहीं हुए। क्रिकेट इतिहास का सबसे बेईमान और घटिया एम्पायर स्टीव बकनर के बारे में कहा जाता है कि सचिन को गेंदबाजों से ज़्यादा बार स्टीव बकनर ने आउट किया है, क्योंकि यह अफ्रीकन अंपायर नहीं चाहता था कि सचिन ब्राउन लारा का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए वह सचिन को गलत LBW आउट दे देता था। लेकिन इस बार ब्रेटली की बॉलिंग से सचिन बच जाते हैं। अब अगला ओवर आता है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी पूरी तरह से भारतीय टीम पर हावी हो चुके थे। ब्रेटली सचिन को बॉलिंग कराते हैं और सचिन फिर फंस जाते हैं, लेकिन अंपायर सुरेश शास्त्री अपील पर कोई खास ध्यान नहीं देते, जिससे सचिन बाल बाल आउट होने से बच जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज भारतीय टीम पर इतने हावी हो जाते हैं कि भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड 5 ओवर में मात्र 11 रन ही होता है। यह सब देख भारतीय दर्शकों में निराशा बिल्कुल साफ नजर आ रही थी, लेकिन गांगुली भी यह सब कहां देख पाने वाले थे। अब गांगुली अटैक करने का फैसला करते हैं और अगली बॉल पर गांगुली ने एक चौका लगा दिया और दर्शकों का दिल जीत लिया। उस जमाने में सौरभ गांगुली की कवर ड्राइव देखने लायक होती थी। अब गांगुली ने एक और चौका लगाकर कंगारुओं को दिखा दिया कि उनके खतरनाक बॉलिंग का जवाब चौकों में दिया। अब सचिन स्ट्राइक पर आते हैं, लेकिन क्रिकेट के भगवान सचिन अभी भी संघर्ष करते नजर आ रहे थे और एक बार फिर ब्रेटली की एक बॉल पर आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। रिप्ले में साफ जाहिर हो रहा था कि सचिन LBW क्लियर आउट थे, और इस तरह सचिन 3 बार आउट होने से बच जाते हैं। ब्रेटली यह देखकर गुस्से से पागल हो चुका था और वह एक खतरनाक बाउंसर बाल सचिन के सामने फेंका, लेकिन यह बाल सचिन समझ नहीं पाए और वो फिर से आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। सचिन काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। ए गार्ड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन एक एक रन बनाने के लिए व्याकुल थे, और सचिन के सामने खड़ा ब्रेटली मुस्कुरा रहा था। यह सब देख सचिन काफी लज्जा का सामना कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह थी कि भारतीय ओपनर पहाड़ की तरह कंगारुओं के सामने खड़े थे, क्योंकि भारतीय टीम ने एक भी विकेट नहीं गंवाया था। लेकिन भारतीय टीम अपनी हार की तरफ इशारा कर रही थी। दर्शकों में काफी ज्यादा निराशा उत्पन्न हो रही थी कि आज इंडिया यह मैच जरूर हार जाएगी। यह सब सौरभ गांगुली को बिल्कुल हजम नहीं हो पा रहा था। अब दादा ने प्रहार करना शुरू कर दिया, चौके पे चौका लगाना शुरू कर दिया। वे चाहे ब्रेटली हो या ब्रेकर, इन सभी के बालों पर घातक प्रहार करने लगे थे। गांगुली की खतरनाक बैटिंग ने कंगारुओं के नाक में दम कर रखा था। जहां शुरू में एक एक रनों के लिए तरस रहे थे, वहीं पर रनों का अंबार लगना शुरू हो गया था। यह सब सचिन से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी अपना हाथ खोलकर बैटिंग करना शुरू कर दिया और ब्रेटली की बालों पर एक सुपर चौका लगा दिया। सचिन चौके पे चौका लगा रहे थे और सौरभ गांगुली का क्या कहना, वे शॉट पे शॉट लगाए जा रहे थे। अब इंडियन टीम का कुल स्कोर बोर्ड 98 रनों के पार जा चुका था। तभी भारत का 100 रन पूरा होने वाला था, तभी सौरभ गांगुली होप्स की एक बार पर कैच आउट हो जाते हैं। अब युवराज सिंह बैटिंग के लिए आते हैं और आते ही भारत का स्कोर बोर्ड 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं।
सौरभ गांगुली के आउट होते ही सारी जिम्मेदारी सचिन के ऊपर आ जाती है। अब सचिन भी खुलकर खेलना शुरू कर दिया और एक चौका लगा दिया। युवराज सिंह भी किसी से कम नहीं थे, वे अपनी सूझबूझ का प्रमाण दे रहे थे और बैक साइड में चौके लगा रहे थे। युवराज सिंह यानी सिक्सर किंग कंगारुओं के नाक में दम कर रखा था। अब युवराज सिंह और सचिन ने मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली। अब सचिन ने लगातार शॉट खेलकर अपना 50 पूरा कर लिया और अपने 50 के लिए सचिन ने संघर्ष करते हुए 91 बालों पर 50 रन बना लिए। युवराज सिंह की बात करें तो वे अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। वे लगातार सभी बालों पर प्रहार कर रहे थे जो कि इनके 60 रन बनाने में काफी ज्यादा मददगार साबित हुए। अब युवराज सिंह का इस मैच में बैटिंग का राज चल रहा था। सचिन और युवराज की ये जोड़ी भारतीय टीम को पूरी तरह संभाल चुकी थी, लेकिन लक्ष्य काफी कमजोर दिख रहा था जो कि भारतीय टीम के लिए बड़े स्कोर की तलाश थी जो कि सचिन और युवराज के कंधों पर साफ दिख रहा था। लेकिन तभी युवराज सिंह एक लंबा शॉट खेला और कैच आउट हो जाते हैं। युवराज के आउट होते ही कैप्टन एम एस धोनी बैटिंग के लिए आते हैं। युवराज सिंह के आउट होते ही रन रेट धीमी नजर आ रही थी जिससे ऑस्ट्रेलियन बॉलर अपनी पकड़ बनाने में फिर से कामयाब हो रहे थे, लेकिन सचिन का बल्ला अभी भी आग उगल रहा था और वो लगातार अपना बल्ला चलाए जा रहे थे। अब एम एस धोनी ने अपने बैट से कंगारुओं को धोना शुरू कर दिया और अपनी बैटिंग से इसी ओवर में 2 चौके लगाए और भारत का स्कोर बोर्ड 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब लगभग 40 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और स्कोर मात्र 204 रनों पर 3 विकेट होता है। अब धोनी ने अपनी बैटिंग से कंगारुओं का सिर नीचा दिखाया क्योंकि धोनी ब्रेटली और सामंत की बालों को शॉट लगा रहे थे। अब धोनी और सचिन ने मिलकर कंगारुओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। अब भारतीय बल्लेबाज 60 पे 60 लगा रहे थे, लेकिन अभी तक एक भी छक्का इस मैच में नहीं आया था। सचिन भी स्कोर बढ़ाने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। सचिन ने 119 बालों पर 79 रनों की शानदार पारी खेली। सचिन के जाने के बाद राहुल द्रविड़ बैटिंग के लिए आते हैं। अब द्रविड़ लगातार 2 चौके लगाए और कंगारुओं की अकड़ को जरूर तोड़ा, लेकिन अगली बाल पर द्रविड़ बोल्ड आउट हो जाते हैं। अब द्रविड़ के बोल्ड होने के बाद रॉबिन उथप्पा बैटिंग के लिए आते हैं और एक लंबा चौका लगा दिया। अब भी 4 ओवर का मैच बाकी था और स्कोर 250 रन ही बन पाए थे, वो भी 4 विकेट के नुकसान पर। अब धोनी का कहर जारी हो जाता है। धोनी ने कंगारुओं की सभी बालों पर प्रहार करते नजर आ रहे थे। अब धोनी का जबरदस्त भौकाल था। अब उथप्पा भी लंबे लंबे शॉट लगा रहा था। धोनी का वार कंगारुओं की आत्मा को डरा रहा था। अब ब्रेटली बड़े ही निराश नजर आ रहे थे। अब बचा लास्ट ओवर जो कि बहुत ही शानदार निकला क्योंकि इस ओवर में 21 रन आए। उथप्पा ने लगातार 2 बालों पर चौका लगाया और इसी ओवर में धोनी ने 5वीं बाल पर 1 चौका लगाया और लास्ट 6ठे बाल पर धोनी ने एक लंबा छक्का लगाकर इस पारी को समाप्त किया। इसी लास्ट छक्के से धोनी का 50वां रन पूरा हो गया। अब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 292 रन बनाने थे। ओपनर के रूप में एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन ओपनर पारी की शुरुआत करते हैं। अब यह जोड़ी जो कि जमाने की सबसे खतरनाक जोड़ी हुआ करती थी और इसका प्रमाण पारी की पहली बाल पर गिलक्रिस्ट ने चौका लगा कर दिया और अगली ही बाल पर गिलक्रिस्ट ने एक छक्का मार दिया जिसे देखकर दर्शकों में काफी ज्यादा हलचल मच गई। एक तरफ गिलक्रिस्ट का कहर जारी था तो दूसरी तरफ हेडन गेंद को हवा में उड़ा रहे थे। अब शुरुआती 5 ओवर में कंगारुओं का स्कोर 37 रन के पार हो जाता है। अब धोनी भी परेशान नजर आ रहे थे। अब धोनी ने अपना दिमाग लगाया और आरपी सिंह की गेंद पर जहीर खान ने एक शानदार कैच लिया जिससे गिलक्रिस्ट आउट हो जाते हैं। गिलक्रिस्ट के आउट होने का मास्टरमाइंड दिमाग केवल धोनी के पास था। अब ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका लग गया। अब रिकी पोंटिंग बैटिंग के लिए आते हैं। रिकी पोंटिंग के अनुसार विकेट गिरे तो गिरे लेकिन रन बनना ना रुके और हेडन इसी नियम का पालन करते हैं। जहां पर इंडिया ने पूरी तरह से एक छक्का लगाया था वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से छक्कों की बरसात होने लगी। रिकी पोंटिंग भी आक्रामक बल्लेबाजी से धोनी को काफी निराश किया क्योंकि इसी ओवर में हेडन ने 18 रन निकाल लिए। अब 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बोर्ड 75 रन बन चुके थे। हेडन का बैट्स रुकने का नाम नहीं ले रहा था क्योंकि वह गेंदबाजों के साथ खेल नहीं बल्कि खिलवाड़ कर रहे थे और भरे मैदान पर भारतीय टीम का मजाक बना रहे थे। पोंटिंग और हेडन की खतरनाक बैटिंग से 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। भारतीय गेंदबाज के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। जहीर खान हो या पठान, पिटाई तो बराबर हो रही थी। अब हेडन अपना 50 रन मात्र 39 बारों पर पूरा कर लिया और 13 ओवर में स्कोर बोर्ड 100 रन के पार पहुंचा दिया। इतने ही ओवर में भारत के स्कोर मात्र 55 रन ही था। मैथ्यू हेडन के प्रहार से ऐसा दिख रहा था कि मानो यह मैच जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इंडिया की ओर से अभी तक सभी बॉलर नाकाम रहे। तभी धोनी ने अपना दिमाग लगाया और इरफान पठान की सहायता से पोंटिंग को स्टंप कर दिया। धोनी की मानो तो किसी भी तेज बॉलर के बाल पे स्टंपिंग करना इतना आसान नहीं, लेकिन धोनी तो धोनी है। इसके बाद माइकल क्लार्क बैटिंग के लिए आते हैं। क्लार्क आते ही अपना भौकाल दिखाना शुरू कर दिया और अगली बार पर चौका ठोक देते हैं, लेकिन तभी
हरभजन अपनी स्पिन बॉल से बोल्ड आउट कर देते हैं। क्लार्क मात्र 6 रन बनाकर चलते बने। अब ऑस्ट्रेलिया का रन रेट नीचा दिख रहा था। अब सामेन भी खूंखार ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। हेडन भी बॉलरों की खूब पिटाई कर रहे थे। इंडियन टीम अब पूरी तरह हताश हो चुकी थी। अब भारतीय टीम को केवल एक विकेट की तलाश होती है। मुरली कार्तिक ने हेडन को कैच करवा दिया और कंगारू का पहाड़ तोड़ दिया। मैथ्यू हेडन ने 92 रनों की शानदार पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया को 95 बालों पर 106 रन बनाए थे, लेकिन सामंस ने स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद भी सामंस नहीं रुके, वे लगातार चौके लगाए जा रहे थे और अपनी 50वां पूरा कर लिया। अब धोनी ने एक बार फिर से स्टंपिंग करके पूरे स्टेडियम में शोर मचा दिया। ने हौज को आउट कर दिया, लेकिन सामंस अभी भी प्रहार कर रहा था। अब आरपी सिंह ने सामंस को बोल्ड मार दिया और ऑस्ट्रेलिया को छठा झटका दे दिया। इस विकेट के गिनने के बाद कितना शोर हुआ यह आप सुन सकते हैं। आरपी सिंह को अगली बार पर एक और विकेट मिल गया। अब मात्र 16 बालों पर 23 रन बनाने थे। दबाव भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। अगले लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे जीत के लिए। अब ब्रेटली ने जहीर की पहली बॉल पर एक चौका लगाकर सबको हैरान कर दिया। यह मैच भारत जीत रहा था, लेकिन फिर भी हार का डर सता रहा था। जहीर ने अब 2 डॉट बॉल फेंककर टीम का उत्साह बढ़ाया, जिसकी वजह से लास्ट एक बॉल पर 9 रन बनाने थे, लेकिन जहीर की लास्ट बॉल पर केवल एक ही रन बन सका, जिससे इंडिया ने 8 रनों से यह मैच जीत लिया। क्योंकि उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीत लेना किसी सपने से कम नहीं था। उस समय केवल दुनिया में भारतीय टीम ही ऑस्ट्रेलिया को चुनौती दे पाती थी। इस मैच में धोनी को शानदार बैटिंग और कप्तानी के लिए मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। दोस्तों, इस मैच में धोनी के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।